Assalamualaikum students, this is Amzad, welcome to Javed Publishers. आज हम Kids Mathematics Grade 3 में unit number 5 को continue करने जा रहे हैं, which is measurement of time. और आज हमने करना है रीडिंग एंड राइटिंग टाइम फ्रॉम एनालॉग क्लॉक यानी कि अपने घर की वॉल क्लॉक से टाइम को देखना पढ़ना और लिखना सीखेंगे तो चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ जी तो बच्चों अपनी बुक का पेज नंबर 101 ओपन कर लें जहाँ पे हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है रीडिंग एंड राइटिंग टाइम फ्रॉम एनालॉग क्लॉक तो सबसे पहले अपने सामने बनी हुई एनालॉग क्लॉक को देखें जिसका मिनट हैंड है 12 पे और हैंड है यानी कि घंटों वाली घंटों वाला हाथ है वन पे अब हमने इसी को समझना है दिस इज एनालॉग क्लॉक

वी कैन सी फॉर स्मॉलर डिवीजन मार्क्स बिटवीन द कंजटिव नंबर्स हमें ट्वेल्व से वन या वन से टू के बीच में चार छोटी छोटी जो हैं, वो deviants नजर है वो डिवीजन्स नज़र आती हैं इफ़ वी काउंट केयरफुली वी फाइंड फाइव एडजीन एज ऑफिव नंबर अगर आप इसको ट्वेल्व से वन की तरफ काउंट करें तो वन टू थ्री फोर फाइव डिवीजन्स बनती हैं

राइट इन वर्ड्स एंड इन नंबर्स ओके तो अब आपने टाइम जैसे कि फर्स्ट में टेन मिनट्स टू थ्री यानी कि तीन बजने में दस मिनट हैं और टू फिफ्टी का टाइम आपके सामने लिखा है अब आपने बाकी दो क्लॉक्स का टाइम देख के इसको पहले वर्ड्स में लिखना है और फिर नंबर्स में लिखना है चलें अब चलते हैं रीड एंड राइट टाइम फ्रॉम डिजिटल क्लॉक की तरफ और जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर वन हंड्रेड एंड थ्री ओपन कर लें डिजिटल क्लॉक इन द डिजिटल क्लॉक याद रखेगा डिजिटल तो होंगे इसमें हैंड्स नहीं होंगे शो द आवर्स जो लेफ्ट साइड पे डिजिट्स हैं वो हमें घंटों के बारे में बताएंगे और राइट right साइड वाले हमें मिनट्स शो करवाएंगे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फोर और टू जीरो फोर इट मीन ये लेफ्ट पे है यानी कि चार बज रहे हैं और राइट पे क्या है 20 यानी कि 20 इट मीन्स के 20 मिनट हो गए हैं बिल्कुल इसी तरह आपने नीचे दी गई एक्सरसाइज में तमाम डिजिटल क्लॉक्स का टाइम देखकर उसको एम्बटी बॉक्सेस में लिखना है जैसे कि पहले में तीन बज के पंद्रह मिनट हो रहे हैं हम्म फिर आठ बज के दस मिनट हो रहे हैं इसी तरह आपने इसको फिल करना है देखा बच्चों ये था हमारी डिजिटल और एनालॉग क्लॉक का फर्क और अब आप इन दोनों का टाइम देख सकते हैं और लिखना भी सीख चुके हैं मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस लेसन से बहुत मदद मिलेगी इसीलिए कीप वॉचिंग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ